Hello everyone, in this video we will see about the SCAN algorithm, which is one of the kind of disk scheduling algorithms. It is also known as elevator algorithm because it functions like a elevator. जैसे एक elevator में होता है, एक lift में होता है, आप किसी floor पे lift के अंदर enter करते हैं, उसके बाद lift एक direction में चलती है, और जितने भी floors उसके अंदर आते हैं, जहाँ पे लोगों को उतरना है, तो वो उनको उतारती है, और उसके बिल्कुल एंड तक जाती है वो ऊपर, उसके बाद वो नीचे आती है और जिन लोगों को उतरना है या चढ़ना है उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करती है. दिस इज़ द सेम दैट इज़ डन इन द स्कैन एल्गोरिदम वेयर द डिस्क आर्म स्टार्ट्स एट वन एंड ऑफ द डिस्क एंड मूव टूवर्ड्स द अदर एंड सर्विसिंग रिक्वेस्ट एज इट रिचेज ईच सिलेंडर अंटिल इट गेट्स टू द अदर एंड ऑफ द डिस्क. एक साइड पर स्टार्ट करेगा मूव करना, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जब तक कि उसमें आखिरी रिक्वेस्ट सर्व नहीं हो जाती, एंड तक जाएगा और फिर वहाँ से वो रिवर्स करेगा, फिर से सर्विस करना शुरू करेगा. सो एट द अदर एंड डायरेक्शन ऑफ हेड मूवमेंट इज रिवर्स्ड एंड सर्विसिंग कंटिन्यूज. दिस विल बी मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ स्कैन एल्गोरिदम. ओके, सो द करंट हेड पोजिशन इज गिवन एज 53. सो मार्क द करंट हेड पोजिशन विच इज 53. अब उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि हम कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे. तो आप इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं. इन मोर एडवांस क्वेश्चंस और इन द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन गेट देयर इज़ वन मोर एंटिटी विच इज़ गिवन दैट इज़ अ प्रीवियस हेड पोजिशन. और प्रीवियस हेड पोजिशन से हमें पता लग जाता है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सपोज अगर इसकी प्रीवियस हेड पोजिशन होती समवेयर अराउंड 55, दैट मीन्स वो यहाँ से इधर मूव कर रहा है, दैट इज इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट. सो इन दिस एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द मूवमेंट टू लेफ्ट. सो यू कैन राइट दैट कंसिडरिंग मूवमेंट टूवर्ड्स लेफ्ट. सो इट विल स्टार्ट सर्विसिंग द रिक्वेस्ट एज इट इज कम्स. So first it will service 37, then 14, and then it will come up to the end of the disk which is 0, and from there it reverses its direction and starts servicing in the opposite direction. So kahan pe jayega 0 se seedha wo 65 pe. So this is one additional head movement. So in this you can write H1. This is the additional head movement. So these three are covered. Now from 65 to 67, then 98, 122, 124, and from there to 183. So this is how the scan algorithm works. Now in this you have to count the head movement for 1, 2, H1 also, that is the 14 head movement here, and then 3 up to 8. So the solution for this is total head movement in this case will be total head movement will be 208 cylinders. So that is how the scan algorithm works. Now there is one more variation of scan algorithm which is known as C scan algorithm. Now we will see what is the difference between a scan and C scan algorithm. Sorry for the wrong answer here. The solution is 236 cylinders. Now we will see about the C scan algorithm. So this is the C scan algorithm, which is also known as circular scan algorithm, and it is a variant of scan algorithm. Now the difference is that when head reaches the other end, it immediately returns to the beginning of the disk without serving any request on the return trip. For example, जैसे हमने इसमें देखा था scan algorithm में, end पे पहुंचने के बाद वो 65 को request serve कर रहा था, but in C scan क्या होगा कि 0 से वो सीधा 199 पे आएगा और फिर से डायरेक्शन रिवर्स करेगा और सर्विसिंग स्टार्ट करेगा.
दैट मीन्स इन सी स्कैन द सर्विस विल बी ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। अगर इधर मूव कर रहा है तो वो लेफ्ट की तरफ सर्विस कर रहा है, फिर जब राइट पे जाएगा तो कोई भी सर्विस नहीं करेगा, 199 पे आएगा, फिर लेफ्ट में सर्विस करना शुरू करेगा। सिमिलरली अगर इधर की तरफ सर्विस करेगा तो यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर जीरो पे आएगा और फिर सर्विस करना शुरू करेगा। तो नाउ लेट सी हाउ सी स्कैन एल्गोरिदम विल सॉल्व द क्वेश्चंस एंड द नंबर ऑफ हेड मूवमेंट्स। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। द हेड करंट हेड पोजिशन इज गिवन एट 53 एंड इन दिस केस ऑल्सो आई एम टेकिंग द मूवमेंट टूवर्ड्स लेफ्ट। सो द मूवमेंट इज टूवर्ड्स लेफ्ट, फॉर एग्जाम्पल so now it will move towards left and serve all the request and it will come to the up to the end of the disk. So suppose this is H1. Now from here it will go up to the end of this, that is 199. So this is suppose H2 and from here it will reverse its direction एंड स्टार्ट सर्विंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज यहाँ पे इस डायरेक्शन में सर्व हो रहा था तो यहाँ पे भी अब इस डायरेक्शन में ही सर्व होगा। सो दिस इज 183, फ्रॉम 183 टू 124, हेयर टू 122, देन 98, 67 एंड 65। सो दैट इज हाउ सी स्कैन एल्गोरिदम works and you have to calculate total head movements in this. So total head movements will come out to be in this case 1 plus 2 plus h1 plus this h2, then 3 plus 4 up to 8. Now you must be thinking that it will increase the total head movements क्योंकि हम 0 से लेके 199 तक भी जा रहे हैं। So 199 तो यहीं पे ऐड हो जाएंगे आपके सीधे सीधे, but it gives you more uniform wait time till then scan algorithm. So in this here you can also write that it provides more uniform time. More uniform wait time than scan algorithm. So the total head movements in this case will be 386. You can also calculate and check whether the solution is correct or not. So this is about the scan and C-scan algorithm, that how it works. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more tutorials on operating system and other computer science related subjects. Thank you.